दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब बटन को दबा दें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें और उसके बाद ऑल का नोटिफिकेशन दबा दें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी जानकारी मिले और आप टाइम पर अप्लाई कर सकें। दोस्तों इंडियन नेवी की तरफ से सिविल ट्रेड्समैन की वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये जो वैकेंसीज है सभी ऑनलाइन है। joinindiannavy.gov.in के माध्यम से आप लोगों को अप्लाई करना है। ये वैकेंसीज ट्रेडमैन मेट की रखी गई है। ग्रुप सी की पोस्ट है, नॉन गैजेटेड पोस्ट रखी गई है और ये वैकेंसीज दोस्तों अलग अलग कमांडों के लिए रखी गई है। फर्स्टली पोस्टिंग आपकी कमांड में होती है जहाँ पर आपका सिलेक्शन हुआ है, लेकिन कभी कभी आपको ऑल ओवर इंडिया में जहाँ आपकी ज़रूरत है ट्रेड्स के हिसाब से वहाँ आपको भेजा जा सकता है। टोटल वैकेंसीज 1160 के करीब रखी गई है। इसके लिए जो पेमेंट मिलने वाली है पेमेंट एज पर 7th CP पे कमीशन के हिसाब से लेवल 1 की, जिसमें कि 18,000 रुपये से लेकर 56,900 रुपये, यानी कि लगभग आप लोगों की फर्स्ट में आप लोग इसमें लगते हैं तो 18,000 रुपये प्लस DA और अदर अलाउंसेज मिला के लगभग आपकी 34,000 की पेमेंट लगभग हो जाती है। टोटल वैकेंसीज़ की बात करें यहाँ पे तो टोटल जो वैकेंसीज़ हैं 1160 के करीब वैकेंसीज रखी गई हैं। अलग अलग कमांड के लिए वैकेंसीज रखी गई है। सबसे पहले ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड और साउथर्न नेवल कमांड। ईस्टर्न कमांड के लिए 710 पोस्ट टोटल रखे गए हैं, जिसमें कि एक्स एसपेन के लिए 71 पोस्ट रखे गए हैं। वेस्टर्न नेवल कमांड में 324 पोस्ट रखे गए हैं, जिसमें कि एक्स एसपेन के लिए 32 पोस्ट रखे गए हैं। साउथर्न नेवल कमांड में दोस्तों 125 पोस्ट रखे हैं, जिसमें कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12 पोस्ट रखे गए हैं। इसमें डिसेबल पर्सनों के लिए भी वैकेंसीज दी हुई हैं, जिसमें कि आपका डिसेबिलिटी यदि इसके अंदर है तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन भूतपूर्व सैनिकों को मिलेगा। जो ऊपर वैकेंसीज थी वो रिजर्व वैकेंसीज थी। इसके लिए एज जो रखी गई दोस्तों 18 से 25 साल के बीच में जो भी हैं जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको गवर्नमेंट के रूल के अनुसार छूट मिलेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अनुसार एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने किया हो। साथ में इंस्टीट्यूशंस एंड सर्टिफिकेट फॉर्म में रिकॉग्नाइज्ड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी कि ITI का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेचर ऑफ ड्यूटीज़ क्या क्या होगी, जो ड्यूटीज होगी उसका डिटेल्स जो प्रॉपर है। सबसे पहले वर्किंग इन प्रोडक्शन ऑब्लिक मेंटेनेंस ऑफ शॉप ऑब्लिक शिप ऑब्लिक सबमरीन। शिप या सबमरीन में आपको मेंटेनेंस शॉप जो होते हैं जो उनके जहाँ पे काम वगैरह होता है, प्रोडक्शन यूनिट हो सकती है तो वहाँ पे आप लोगों को काम करना होगा। जनरल क्लीनिंग एंड अपकीप ऑफ द सेक्शन ऑफ लाइक यूनिट भी काम हो सकता है। कैरिंग ऑफ फाइल एंड अदर पेपर्स विद इन द ऑफिस एरिया, यानी कि एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में फाइलों को ले जाना वगैरह ये भी काम हो सकता है आपका। फ़ोटो कॉपीज आपको सेंड करने की ड्यूटी दी जा सकती है, रिसीव करने की ड्यूटी दी जा सकती है। फैक्स वगैरह चलाने की ड्यूटी आपको दी जा सकती है। उसके अलावा नॉन क्लरिकल वर्क हो सकता है जो कि सेक्शन या यूनिट में दिया जा सकता है आपको। असाइंडिंग इन रूटीन ऑफिस वर्क लाइक डायरी डिस्पैच ETC इंक्लूडिंग ऑन कंप्यूटर, जो भी डिस्पैच होता है दोस्तों डाक का डायरी कोई मेंटेन होता है ऑफिस वर्क में तो आप लोगों को डेली रूटीन का काम दिया जा सकता है। उसके अलावा डिलीवरी ऑफ डाक इनसाइड एंड आउटसाइड इन द सेक्शन ऑफ द यूनिट, जो डाक की डिलीवरी है एक यूनिट से दूसरे यूनिट में ले जाना वगैरह वगैरह उससे संबंधित आपको काम दिया जा सकता है। वॉच एंड वार्ड ड्यूटीज दे सकते हैं दोस्तों। और उसके अलावा ओपनिंग एंड क्लोजिंग ड्यूटीज दे सकती है। क्लोजिंग ऑफ बिल्डिंग फिक्सचर वगैरह आपको ड्यूटी दी जा सकती है। डस्टिंग ऑफ फर्नीचर वगैरह ड्यूटी दी जा सकती है। अपकीप्स ऑफ पार्क लॉन पोटेट प्लांट ETC उसकी ड्यूटी दी जा सकती है। एनी अदर वर्क असाइंड बाय सुपीरियर अथॉरिटी या अन्य सुपीरियर अथॉरिटी के द्वारा आपको काम दिया जा सकता है। कंप्यूटर में ठीक जानते हैं तो वो भी आपको काम दिया सकता है। रिलैक्सेशन दोस्तों, ये रिलैक्सेशन किस किस से दिया जाएगा उसका यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है। ASM आप लोग देख पा रहे होंगे एक्सेस मैन, जिसमें कि पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 साल का आपको यहाँ पे छूट दी जा रही है। जो एग्ज़ाम फीस है उसमें भूतपूर्व सैनिकों को छूट दी जा रही है, आप लोगों को कोई पैसा इसमें पैड नहीं करना होगा। एग्जाम जो सेंटर्स होंगे उसका डिटेल्स जब आप फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगी, तो उसमें से आप 3 चूज कर सकते हैं। जो भी आपको सूट करे उसके हिसाब से आप भर सकते हो और चेंज नहीं होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहने वाला है, इसके लिए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा कि ऑल शॉर्टलिस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट्स विल हैव टू अपियर इन द ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग
ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इसेंशियल क्वालिफिकेशन। ये आप लोगों के मैट्रिक लेवल के होंगे और जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे और कंप्यूटर बेस्ड होंगे, जिस तरह से कि बैंक वगैरह का पेपर होता है उसी तरह से क्वेश्चन होंगे। चार ऑप्शंस होंगे और किस किस सब्जेक्ट को कवर किया गया उसका डिटेल्स भी यहाँ पर दिया होगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे, दूसरा न्यूमेरिकल एप्लीट्यूड और क्वांटिटेटिव एबिलिटी के 25 क्वेश्चन होंगे, जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन के 25 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे। टोटल जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों 100 क्वेश्चन होंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में क्या क्या कवर किया जाएगा, किस लेसन से क्वेश्चन आएंगे उसका डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड क्वांटिटेटिव एबिलिटी में कौन कौन से लेसन को कवर किया जाएगा, टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह, डिस्काउंट, इस तरह से कवर किया जाएगा। जनरल इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन के लिए किस किस लेसन को कवर किया जाएगा उसका भी डिटेल्स यहाँ पर लिया गया है। जनरल अवेयरनेस में क्या क्या कवर किया जाएगा, जिसमें कि ज्योग्राफी, कल्चर, इकोनॉमिक्स, करंट इवेंट्स, जनरल पॉलिसीज, जो जो भी कवर किया जाएगा उसका डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन दोस्तों, एग्जाम कब होगा, एग्जैक्ट डेट, टाइम एंड वेन्यू ऑफ ऑनलाइन टेस्ट विल बी कम्युनिकेटेड द कैंडिडेट ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आप लोगों को बताया जाएगा, या फिर इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों joinindiannavy.gov.in या दूसरी वेबसाइट है indiannavy.nic.in के माध्यम से आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आपकी ईमेल आईडी भी आ सकता है, मोबाइल नंबर भी आ सकता है, या फिर आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा बार बार देखने के लिए, वहां पे इसके बारे में बता दिया जाएगा। ओपनिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल दोस्तों 22 फरवरी 2021 से शुरू हो गए फॉर्म भरने और क्लोजिंग डेट रखी गई है 7 मार्च 2021 शाम को 5 बजे तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। गाइडेंस फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, उसके गाइडेंस यहाँ पे दिए हुए हैं कि किस तरह से आप लोगों को फॉर्म को भरना होगा, किस तरह से आपको फ़ोटो अपलोड करना है, क्या फ़ोटो की साइज़ रहेगी, सिग्नेचर का क्या साइज़ रहेगा, उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। दूसरा वैकेंसी थी इंडियन नेवी में ट्रेड्समैन, जिसको कि मेट बोलते हैं, और ग्रुप सी की पोस्ट है और काफ़ी वैकेंसी इसमें भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी रखी गई है, आप लोग भरना चाहे तो भर सकते हैं। इस भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उसको आप पढ़ सकते हैं। आज के लिए दोस्तों इतना ही। चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।